मैं आयुषी जोशी अचीव आईएएस द्वारा प्रस्तुत समसामयिकी विषयों पर आधारित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। 2020 जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को संसद में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट 2020 पेश किया है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया दूसरा बजट है। आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण पहले डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं और अभी एट प्रेजेंट वो फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी वित्त मंत्री सुबह संसद में पारंपरिक बही खाता के साथ पहुंची और वित्त मंत्री ने भाषण के साथ इस बजट के पेशकश की शुरुआत की। और आपको बता दूं, वित्त मंत्री का अब तक का दिया गया ये सबसे लंबा वित्त भाषण रहा है। बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट 3 विषयों पर केंद्रित है, महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और अंत्योदय अर्थात जिम्मेदार समाज। आइए बात करते हैं इस बजट के बारे में। इस बजट के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ प्रक्रिया है बजट बनाने की जिसे आपके साथ साझा करना चाहूँगी। बजट बनाने की प्रक्रिया सितंबर माह से ही प्रारंभ हो जाती है। इन 4-5 महीनों के तहत बजट बनाने पर महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किया जाता है तथा इसकी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग व सरकार के अन्य मंत्रालय भी इसमें शामिल होते हैं। बजट बनाने की पूर्ण जिम्मेदारी बजट डिवीजन की होती है जो कि नोडल एजेंसी होती है। आइए बात करते हैं इसकी प्रक्रिया को लेकर। खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी की जाती है। सभी मंत्रालयों, विभागों तथा स्वायत्त निकायों में सर्कुलर जारी किया जाता है। इस सर्कुलर में खर्च विशेष परियोजनाओं और फंड्स की ज़रूरत का ब्यौरा होता है। ये सर्कुलर करीब 100 से 150 पेजेस का होता है। सभी मंत्रालय अपनी अपनी मांगों से वित्त मंत्रालय को अवगत करवाते हैं। नियमित बैठकों में वित्त सचिव, राजस्व सचिव व संयुक्त सचिव समेत वित्त विभाग के सभी सचिव तथा केंद्रीय सीमा तथा उत्पाद शुल्क बोर्ड अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। खर्चों और व्ययों से संबंधित सुझाव व्यय विभाग तथा टैक्स संबंधी सुझाव टैक्स रिसर्च यूनिट को भेजे जाते हैं। सभी प्रस्तावों को शामिल करने के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ये ब्लूप्रिंट बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसे कि वित्त मंत्री स्वयं भी अपने पास में नहीं रख सकती हैं। ये ब्लूप्रिंट जॉइंट सेक्रेटरी की कस्टडी में रखा जाता है। उसके बाद हलवा सेरेमनी आयोजित की जाती है। हलवा सेरेमनी के बाद उन्हें किसी भी तरीके का कोई संपर्क साझा करने का कोई अधिकार नहीं होता है। छपाई का कार्य नॉर्थ ब्लॉक में किया जाता है। जिस समय मंत्रालय के करीब 100 अधिकारी 10 दिन के लिए नॉर्थ ब्लॉक में बेसमेंट में जहां पे छपाई का कार्य हो रहा है वहीं रहते हैं। इस 10 दिन के दौरान इन 10 दिनों के तहत ये सौ अधिकारी अपने घर वालों से तक बातचीत या मिलना जुलना नहीं कर सकते हैं। आपको बता देते हैं, 2016 से पहले रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग तैयार किए जाते थे, परंतु 2016 में राष्ट्रपति ने भारत सरकार कामकाज का आवंटन अधिनियम 1961 में एक संशोधन को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ में मिला दिया गया। रेल बजट को अलग से तैयार करने की शुरुआत ब्रिटिशर्स द्वारा की गई थी 1924 में। तो यह थी तो एक आम जानकारी रेलवे बजट तथा आम बजट के बारे में तथा बजट बनाने की प्रक्रिया को लेकर। आइए अब बात करते हैं इस यूनियन बजट की, इस बजट की जो कल 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है। बजट 2020-21 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साथ ही कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए FDI लाया जाएगा। इसी के साथ नई शिक्षा नीति लाएंगे, जिसके तहत ऑनलाइन लेवल डिग्री लेवल का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उसके साथ ही हर जिले के अस्पताल में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।
आय कर की दरों में कमी की गई है। निर्मला सीतारमण जी के बजट का जो भाषण था उसका मुख्य केंद्र या मुख्य आकर्षण था उनकी दरों में कमी। आय कर की दरों की कमी उनके भाषण का एक मुख्य आधार रही है। और ये बात ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं आय कर की दरों में। आइए देखते हैं एक चार्ट द्वारा कि क्या मंत्री ने कहा कि 5 लाख रुपए की तक की जो कमाई है उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आम व्यक्ति जो पहले भी कोई टैक्स नहीं दिया करता था, जो 5 लाख तक की कमाई जिसकी है उसे अब भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो व्यक्ति 5 लाख से 7.5 लाख तक कमाता है सालाना, उसे 10% तक टैक्स देना होगा। यह आपको बता दूं कि यह दर पहले 20% थी, अब 7.5 लाख से 10 लाख की जिसकी आय है उसे 15% दर के हिसाब से कर देना होगा। पहले यह दर 20% थी, 10 से 12.5 लाख तक जिसकी आय है उसे 20% तक कर देना होगा, जो पहले 30% थी। 12.5 से 15 लाख तक की आय के व्यक्ति को 25% तक कर देना होगा, जो पहले 30% थी। और 15 लाख से ऊपर की आय के व्यक्ति को 30% देना होगा, जो कि पहले 30% ही थी। आपको बता दूं कि इस टैक्स स्लैब के तहत 10% और 15%, ये दो ऐसी दरें हैं जिन्हें पहली बार सम्मिलित किया गया है। पहले ये 20% थी। देखते हैं ये टैक्स स्लैब के तहत ये जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ये किस हद तक आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं या फायदा पहुंचाते हैं। आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2020-21 आय बढ़ाने और लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करने के लिए है। वित्त मंत्री ने कहा कि केवल उच्च विकास के माध्यम से हम अपने युवाओं को रोजगार और सार्थक रूप से नियोजित कर सकते हैं। आम आदमी के बारे में कहा गया कि प्रत्यक्ष कराधान संरचना को सरल बनाने की दृष्टि से वित्त मंत्री ने छूट देने वाले व्यक्तियों के लिए कई आयकर दरों की घोषणा की है। यह एक ऐसा कदम है जो 15 लाख रुपए कमाने वालों के आयकर में 78,000 से 1,97,000 की छूट मिलेगी। सरकार ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपीज, पानी की योजना के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए, शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए और महिलाओं के लिए केंद्रीय योजनाओं पर 28,600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 69,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। चिकित्सा उपकरणों में करों का उपयोग इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सरकार ने 11,000 किलोमीटर रेल पटरियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य भी रखा है और 2,000 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण की घोषणा भी की है। इसने राष्ट्रीय रसद नीति की भी घोषणा की है जिससे वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द ही जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने 100 अतिरिक्त हवाई अड्डों के विकास और 2024 के 12 लॉट में 6,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों में विमुद्रीकरण की घोषणा की है। आइए बात करते हैं इस बजट का सबसे बड़ा क्षेत्र जो आवंटित हुआ है, या हम कह सकते हैं बड़े ऐलान जिसमें किए गए हैं, वो है शिक्षा बजट। निर्मला सीतारमण जी ने इस वर्ष के शिक्षा बजट के तहत बहुत बड़े ऐलान किए हैं। आइए देखते हैं उन सारे ऐलान क्या क्या घोषणाएं की हैं निर्मला सीतारमण जी ने। पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा। कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट में नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए FDI लाया जाएगा। ऑनलाइन डिग्री की शुरुआत की जाएगी। शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का ऐलान किया गया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया है।
तथा सरकार स्टडी इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। उच्च शिक्षा के लिए अलग से 38,317 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्कूली शिक्षा के लिए 56,536 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आईआईटी के लिए 6,409 करोड़ रुपए, जबकि आईआईएम भारतीय प्रबंध संस्था के लिए 445 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था के लिए IISER के लिए 899.22 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केंद्र ने विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिनमें विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की गई है। पिछड़े छात्रों के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन कार्यक्रम करवाया जाएगा। जिला अस्पताल में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इंजीनियरों के लिए एक साल की इंटर्नशिप भी घोषित की गई है। तो ये था हमारा मुख्य इस बजट के 2020 के मुख्य बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर हमने आज चर्चा की है। उम्मीद करते हैं ये बजट हमारे और हमारे देश के लिए कुछ नई योजनाएं लेकर आए और विकास के और अग्रसर होने में एक नया कदम हो। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। धन्यवाद।